उड़ता पंजाब का मीडिया के अंदर खूब प्रचार प्रसार हुआ है इस मूवी में जिस तरीके से डायरेक्टर वगैरह ये सब कह रहे थे और मीडिया दूसरी बात फिल्म मेकर्स वगैरह उनका यह था कि उड़ता पंजाब के अंदर युवा पीढ़ी को जो नशे पते से लिप्त है पंजाब में विशेष रूप से पंजाब में तो उसका नशे पते में जो लिप्त है तो उसको दिखाया गया है तो हम ये देखने आए हैं कि भाई इस मूवी में क्या है ऐसा ताकि रिलीज होने से पहले ही इसमें इतना सारा विवाद हुआ है तो ये सब चीज देखने के लिए आए हैं आई थिंक ये अच्छा हुआ कि सिर्फ एक कट के साथ रिलीज हो गई ज्यादा सेंसर बोर्ड होता तो आई गेस मूवी की स्टोरी लाइन ही चेंज हो जाती डिफरेंट हो जाती तो आई गेस अच्छा है कि सिर्फ वन कट के साथ अडल्ट रेट के साथ रिलीज हो रही है उड़ता पंजाब मूवी बहुत अच्छी मूवी है और उसमें पंजाब की जो असली चीज है जो बच्चों में जो ड्रग्स वगैरह की आदतें फैली हुई हैं उसको दिखाया जा रहा है तो इसको दिखाना चाहिए सेंसर बोर्ड इसमें ना तानाशाही रवैया अपनाए हुए तो जो कट वगैरह कर रहा है वो ठीक तो है नहीं बाकी उनकी अपनी मर्जी होती है बाकी ये जो सच्चाई है वहाँ पंजाब की जो ड्रग्स एडिक्ट लोग हैं बहुत सारे लोग मर भी रहे हैं उसमें तो उनको सामने लाने के लिए जो सिनेमा है समाज का आईना होता है विवादों में घिरी उड़ता पंजाब आज रिलीज के लिए तैयार है और दर्शकों को पूरी उम्मीद है कि फिल्म अपना बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार कर पाएगी लेकिन हमें तो वीकेंड पे आने वाली रिपोर्ट का इंतजार रहेगा कैमरा पर्सन संजय के साथ निधि पत्रिका ब्यूरो